जो जैसे घर में जैसे बन रहा है वो ही खाना, और मैंने बिल्कुल उन्हीं चीजों से अपना वेट कम किया, मैंने कुछ भी स्पेशल नहीं किया। डे टाइम ऐसे हो ना कि ज्यादा खा लेना, 11 बजे जब हो ना, वो उस टाइम पे क्या खाना, उस टाइम समोसे खाने मैंने। वेलकम बैक टू माई चैनल। पहले मैंने आप लोगों के साथ मरियम साहब की ट्रांसफॉर्मेशन शेयर की थी, आप लोगों ने बहुत पसंद की थी। आज फिर एक और ट्रांसफॉर्मेशन मैं बहुत जबरदस्त किस्म की आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ, सबा मिर्जा साहिबा की, जिन्होंने 25 kg वजन कम किया है ऑलमोस्ट 4 months में। तो उनको वेलकम करते हैं और उनसे पूछते हैं कि उन्होंने अपना ये जर्नी कैसे स्टार्ट किया। अस्सलाम वालेकुम सबा, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सबा। सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देती हूँ कि आपने जो है वो इतना अच्छा अपना वेट लॉस किया है हेल्दी वे में। और किस तरह से आपने अपना ये जर्नी स्टार्ट किया तो आप बताइए। बहुत शुक्रिया मुबारकबाद देने के लिए, है मुबारक। और इसलिए कम करने का सोचा, इसलिए स्टार्ट किया ये सब कुछ के ना मेरी तबीयत खराब रहने लगी थी, मुझे कुछ मेडिकल इश्यूज हो गए हुए थे जिसकी वजह से ना मेरे फेस पे एक्ने हो गई थी, फैटी लीवर, हर्निया, ढेर सारी बीमारियां ना सिर्फ एक मोटापे की वजह से हो गई हुई। तो आपका वेट कितना, सॉरी सॉरी मैं आपको बात कर रही हूँ, आपका वेट कितना था जब आपको ये सारे इश्यूज? 94। तो बहुत ज्यादा। और आपकी हाइट कितनी है? हाइट 5.5। 5.5, ठीक है ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद फिर आपने बताया कि मेडिकल इश्यूज आपको स्टार्ट हो गए, तो क्या क्या मेडिकल इश्यूज स्टार्ट हो गए थे आपको? मुझे फैटी लीवर, हर्निया। अच्छा ओके ओके, और फिर इसकी वजह से ये था कि मेरे फेस पे एक्नी बहुत ज्यादा हो गई हुई थी, इतनी एक्नी थी कि किसी तरह से वो खत्म नहीं थी हो रही, और सर में दर्द रहता था, बीपी हाई रहने लग पड़ा था। तो फिर मैं डॉक्टर के पास गई, उनसे मैंने कहा कंसल्ट करती हूँ। उन्होंने मुझे कुछ टेस्ट लिख के दिए, उन्होंने मुझे बोला कि आपका जो है ना वो इलाज यही है कि आप अपना वेट कम करें। अच्छा अब ठीक है, उन्होंने कोई मेडिकेशन वगैरह नहीं दिया आपको? उन्होंने मेडिकेशन मुझे टेस्ट लिख के दिए, उसके बाद मेडिकेशन मेरी स्टार्ट हुई थी फैटी लीवर के लिए, और बाकी उन्होंने बोला था कि आपको बीपी हाई का कोई इश्यू नहीं है, ओके, आपको सिर्फ ये फैटी लीवर की वजह से और ये जो ओबेसिटी है ना इसकी वजह से आपका मतलब आपको ऐसे लगता है आपका बीपी हाई हो गया है, तो आप अपना वेट कम करें आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो मेडिकेशन आपने जी 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 उसके बाद से फिर आपने सोचा कि वजन कम किया जाए? जी बिल्कुल, मैंने बड़ी सीरियस वो बात ली क्योंकि मैं बड़ी डर गई थी, मुझे बड़ा होप आया सुनके कि फैटी लिवर हो गया, मेरे तो माशाल्लाह से 3 बच्चे हैं, छोटे छोटे हैं, तो फिर अगर माँ ही बीमार हो जाए तो घर कैसे चलता है, तो बड़ा मैं इस चीज से डर गई थी। जी बिल्कुल आप सही कह रही हैं, स्ट्रेस होता है सबसे पहले तो इंसान, बिल्कुल उससे पहले कभी किसी ने कहा ही नहीं है कि वजन कम करो या मतलब इतनी ज्यादा हेल्दी हो मोटी हो, सब ये कहते थे अच्छी लगती हो, ठीक है बस ठीक है, सब ऐसे कहते थे। जी जी, मेरे साथ भी यही था कि मुझे जब कोलेस्ट्रॉल का इशू हुआ तो फिर मैंने रियलाइज किया कि आई नीड टू रिड्यूस माय वेट, तो ऐसा ही आपके साथ हुआ। फिर आपने किस तरह से क्या, तो यानी आपने डाइट वगैरह कैसे स्टार्ट की, डाइट स्टार्ट की या एक्सरसाइज स्टार्ट की, किस तरह से? मुझे जब डॉक्टर ने बोला ना कि आप अपना वेट कम करें, उन्होंने मेडिसिन तो दे दी, वो तो मैंने खानी थी ठीक है, लेकिन उन्होंने बोला इसके साथ आपने अपना वेट कम करना है, तो ठीक है, ठीक है। कोई पता नहीं था कैसे करना है क्या करना है, खाना पीना कम कर दिया, उससे क्या हुआ मुझे बड़ी वीकनेस सी फील हुई ना 10-12 दिन बाद ही, तो वो ये होना कि शाम के टाइम फिर मुझे ऐसे लगना जैसे मुझ में हिम्मत ही नहीं है ना, मैं कुछ कर ही नहीं सकती। ओके, वेट चेक किया तो वेट कोई कम नहीं था हो रहा, वो वैसे का वैसे था। फिर मैंने कहा मैं ना यूट्यूब पे देखती हूँ, यहाँ से हेल्प लेती हूँ, इतना कुछ यहाँ पे है अवेलेबल, तो क्या पता मुझे भी कुछ मिल जाए अच्छा जिससे मेरा फायदा हो जाए। फिर मैंने बड़े चैनल्स देखे, 10 दिन में 10 kg कम, ये शरबत पिए, ये पानी पिए, ये करें वो करें, इस्तेमाल करें डिटॉक्स वाटर, तो वजन जी बिल्कुल, हाँ जी ये सब कुछ, तो
हालांकि मैंने वैसे डिटॉक्स वाटर पूरे वेट लॉस जर्नी में यूज नहीं किया। ठीक है ठीक है। अच्छा फिर आपने चैनल, हाँ बस मैंने चैनल सर्च शुरू किए तो मुझे ना मेरे सामने ये हावर भाई का चैनल आया, मैंने इस पे क्लिक किया, एक दो वीडियोस मैंने देखी, मुझे ना इन्फॉर्मेशन मतलब नजर आई इनकी ना बातों में, मुझे लगा कि हाँ ये कुछ बातें ऐसी हैं कि जो हेल्प कर सकती है मेरी। अच्छा जी, तो आपने लाइफस्टाइल फिटनेस खान खान साहब का चैनल विजिट किया, तो ऐसा कौन कोई स्पेसिफिक वीडियो था जो आपने देख के स्टार्ट किया? मैंने उसमें सना का इंटरव्यू देखा था, मैंने सना का इंटरव्यू देखा था, उसके बाद फिर उसामा भाई का इंटरव्यू था, फिर आपका इंटरव्यू था। तो जब मैंने ये सब इंटरव्यू देखे तो मैंने कहा ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकती हूँ, लेकिन मुझे सही तरह से मोटिवेशन मिली। हाँ जी, जो मुझे मोटिवेशन मिली ना मुझे आप, फिर मैंने उनके चैनल से मैं आपके चैनल पे आई, ठीक है, मैंने आपका चैनल सब्सक्राइब किया, तो मतलब जैसे आपने आपका इंटरव्यू मैंने बार बार सुना बार बार इसलिए सुना कि वो मुझे बड़ा ऐसे नेचुरल सा लगा तरीका सारा, उसमें कुछ मुश्किल नहीं था, तो कुछ ऐसी फैंसी डाइट नहीं थी कि जो जिसको अरेंज करना मुश्किल होता, मैनेज करना, उसको अलग से पकाना, ये सब कुछ ना, तो ये मुझे बड़ा अट्रैक्ट लगा। फिर आपने बोला कि मैंने तो सारी चीजें अपनी ना डाइट में ऐड की है, मैंने निकाला कुछ भी नहीं है, तो ये बात भी बड़ी अच्छी थी कि कुछ निकालने वाला सीन नहीं है। जी, मरियम साहब ने भी यही बात बोली थी कि उनको ये बात जो है वो बहुत अच्छी लगी थी कि ऐड करना है और बिल्कुल घर के जो सिंपल खाने हैं उसी से हम अपना वेट लॉस कर सकते हैं। बिल्कुल वही सिंपल खाने हैं जो जैसे घर में जैसे बन रहा है वो ही खाना, और मैंने बिल्कुल उन्हीं चीजों से अपना वेट कम किया, मैंने कुछ भी स्पेशल नहीं किया। ठीक है, उन्हीं चीजों को लेके आपने पोर्शन कंट्रोल किया या क्या किया और किस तरह से, ये बताएं आप जरा, क्या पोर्शन कंट्रोल किया या जी पोर्शन क्या आप ब्रेकफास्ट में क्या लेती थी, लंच में क्या लेती थी, ये भी पहले ब्रेकफास्ट से स्टार्ट करता है, ब्रेकफास्ट में आप क्या लेती थी? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि जब मैंने डाइट स्टार्ट की ना, तो जब मैंने खाना छोड़ा तो उसकी जगह पे मैंने निम्को लेज बिस्किट को रख लिया, एक माह मैंने ऐसे किया। वो फिर मुझे हावर भाई की वीडियो देखने के बाद पता चला कि खाना छोड़ के इन चीजों को आप अगर रिप्लेस करते हैं खाने के साथ तो डबल नुकसान कर रहे हैं आप अपना। रोटी कम खानी है, बाकी चीजें तो नहीं ना कम खानी। बिल्कुल बिल्कुल भी कम नहीं था हुआ, वैसे का वैसे ही था, एक माह मेरा ऐसे ही गुजरा था, लेकिन फिर जब मैंने हावर भाई का चैनल देखा ना तो फिर उसके बाद मैंने उनकी जो वीडियोस है ना, एक एक दिन में मैंने कितनी कितनी सारी वीडियोस देखी सिर्फ नॉलेज के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए, और फिर जैसे मुझे नॉलेज मिला तो फिर मुझे समझ आया कि वेट कैसे कम करना है, डाइटिंग क्या चीज है, आपने क्या, ये नहीं कि आप खाना पीना छोड़ दें और सारे वो चीजें ऐड कर लें जो तो वेट बढ़ा रही है। सही सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा तो फिर आपने क्या कैसे स्टार्ट किया, ब्रेकफास्ट आप क्या लेती थी? ब्रेकफास्ट में लेती थी बॉयल एग लेती थी, दो, एक में फुल लेती थी, एक की जो है ना योक निकाल देती थी, कभी कभी ले लेती थी दोनों ही फुल। ठीक है, और इससे पहले आप क्या लेती थी जब आपका वजन ज्यादा था, उस वक्त आप क्या खाती थी? इससे पहले पराठा। ओके, जैसे कि मैं बना हुआ पराठा होता था, साथ में कभी दही हो गया, कभी ऑमलेट और कभी सालन रात का पड़ा हुआ। और वो भी ऑमलेट भी देसी घी में बना हुआ। हाँ वो भी देसी घी, कितना मजे का लगता है ना वैसे। अच्छा ठीक है, और उसके बाद फिर लंच वगैरह में? फिर लंच में पहले तो यही था ना कि घर में मतलब रोटी, एक रोटी एक डेढ़ रोटी खा लेती थी मैं ना लंच में, ठीक है। तो सबसे पहले जब मेरा वेट गेन हुआ ना, तब तो मेरी रूटीन ये थी कि मैं नाश्ता नहीं थी करती, मैं ब्रेकफास्ट नहीं थी करती। अच्छा, ब्रेकफास्ट स्किप करती थी? स्किप कर देती थी, कॉलेज जाती थी मतलब तो नाश्ता करके नहीं जाना। ये भी बहुत बड़ी मिस्टेक होती है जब आपका वजन बढ़ता है ना, इसी वजह से कि आप अपने मील स्किप करना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल, तो आप जब दोबारा दूसरा नेक्स्ट मील लेते हैं ना तो उसमें फिर आप ओवर ईट कर जाते हैं।
बिल्कुल ये बिल्कुल। फिर प्रॉब्लम। डे टाइम ऐसे हो ना कि ज्यादा खा लेना, 11 बजे जब हो ना, वो उस टाइम पे क्या खाना, उस टाइम समोसे खाने मैंने। आगे वो कहते कि मजेदार डाइट हाँ थी जी, उस टाइम फिर मैंने समोसे वैसे। खाने, उस टाइम फिर ये नहीं कि कोई घर की चीज खा ले, उस टाइम फिर मैंने समोसे खाने करने, सही तरह से ना, सही बड़ा गरक वाला करने अच्छा वाला सीन किया मैंने। हाँ, जैसे आपने मील स्किप किया तो फिर आपने समोसे ही खाने। अच्छा, उसके हाँ बाद फिर जी डिनर डिनर क्या होता था, पहले क्या होता था, उसके बाद फिर चेंज हुआ तो फिर आपने क्या लेना स्टार्ट किया? फिर चेंज ये हुआ कि फिर मैंने नाश्ते में, मैंने आपको बताया ना, कभी बॉयल एग ले लिए, कभी मैंने वो पोरिज बना लिया, ओट मील बना लिया, थोड़े से दूध में, थोड़े मतलब आलमंड डाल के, कोई एक आध फ्रूट डाल लिया, फ्लैक्स सीड्स उसमें डाल देने करने, पिंच वो ठीक मैंने ले लेना करना उसमें, दालचीनी पाउडर इस तरह करके ना। सारे उसके हेल्दी बाद मेरी, ऑप्शंस आपने ऐड करने शुरू कर दिए। हाँ, हाँ सारे हेल्दी ऑप्शंस मैंने, कभी कभी ऐसे भी होता था कि मैं योगर्ट में ना फ्रूट डाल लिया करती थी, कोई भी एप्पल बनाना कोई भी एक फ्रूट वो डाल के, तो उसमें मैं ले लेती थी बेजल सीड्स, वो सो करके रखे होते थे वो लेती थी साथ में, ये फ्लेक्स सीड्स और मतलब आलमंड वगैरह इस तरह करके ना, एक बॉल वो बना के नाश्ते में वो भी लिया मैंने, कभी वो खा लेती थी। एंड और व्हाट अबाउट लंच, फिजिकल एक्टिविटी कितनी थी आपकी लाइफ में, पहले कुछ करती थी या जब आपने वेट लॉस स्टार्ट किया तो क्या स्टार्ट किया, ये भी काइंडली आप बताइए, डिस्कस कीजिए। फिजिकल एक्टिविटी मेरी ऐसी थी कि पहले भी है थी और बाद में भी, क्योंकि जहर है हाउसवाइफ हूँ, बच्चे हैं, सारे घर के काम ये वो, तो वो था। और लेकिन बाद में मैंने फिर ये ऐड किया कि मैंने वॉक को अपनी लाइफ में ऐड किया, वॉक करती थी मैं मॉर्निंग में इवनिंग में, ठीक है, मतलब कितना उसका भी कोई कितना टाइम, ड्यूरेशन के लिए करते हैं? आधा घंटा सुबह करती थी, आधा घंटा शाम को। जब मैंने आपके इंटरव्यू में देखा था ना कि मतलब आपने वॉक करनी है लेकिन उसके लिए कोई आपने स्पेसिफिक टाइम नहीं रखना, आप जब चाहे कर सकते हैं, तो फिर मैंने भी ऐसे ही था कि मतलब जब मुझे टाइम मिलता था तो मैं कर लेती थी वॉक, और एक्सरसाइज भी करती थी, हावर बाई ने जो अपने चैनल पे शेयर की हुई थी ना एक्सरसाइज, वो किया करती थी, वो भी जब टाइम मिलता था। हाँ मोस्टली मैं देखिए, ये शाम, जरूरी होता है एक्सरसाइज का और वॉक का कोई टाइम नहीं होता, बस उसके लिए होता है कि जी आपने खाना खाया अगर तो उसके 2 घंटे के बाद करना, जब आप एम्प्टी स्टमक हो, आपका पेट खाली हो, क्योंकि आपको उसका मैक्सिमम बेनिफिट्स मिलते हैं। ये ना सोचें कि आप जब सुबह का टाइम निकल गया तो मॉर्निंग वॉक अगर मिस हो गई तो हम रात में कर सकते, रात में दोपहर में जिस वक्त टाइम मिले आप अगर एक्सरसाइज टाइम करें। फिक्स, वही बात है ना, अगर टाइम फिक्स कर ले तो फिर कहते हैं चलिए अब टाइम चला गया, अब नहीं हो सकता, आज का डे रहने दे। सही बात है। अच्छा, सब हम उस पर वापस आते हैं कि कितने ड्यूरेशन के बाद आप डॉक्टर के पास गई और आपने बताया था कि आपके इश्यूज रिजॉल्व होना शुरू हो गए, उसके बारे में आप काइंडली थोड़ा सा बताइए। मैं एक एक माह के बाद मतलब विजिट होता था मेरा डॉक्टर के पास, तो एक माह के बाद मैं गई, तो मतलब ये वाली डाइट जो मैंने फॉलो करना शुरू की ना, तो फिर मैं एक माह के बाद गई, तो उसके बाद मेरा 4 to 5 kg लूज हो गया हुआ था, मतलब मैं ना 90 एटी थोड़ा नाइन 90 पे आ गई हुई थी। और उससे ये हुआ था कि मेरी ना मतलब मुझे, मेरी तबीयत खराब नहीं थी हो रही, बीपी हाई नहीं था हो रहा मुझे, जैसे सर में दर्द है ये मसला मेरा हल हो गया हुआ था। तो डॉक्टर ने मुझे पूछा कि अच्छा हाँ जी अब आपकी तबीयत कैसी है, मैंने बोला अब मेरी तबीयत जो है ना कि अब मेरे सर में दर्द नहीं होता। सही बात है। अब जैसे जैसे आप हेल्दी ऑप्शन लेती रही, एक्सरसाइज और वॉक का आपने शामिल किया, तो आपके देखिए खुद ब खुद आपका स्ट्रेस रिलीफ होना शुरू हो गया और आपकी चीजें बिल्कुल, रिजॉल्व हो गई, हाँ तो जी फिर आपका बिल्कुल, फैटी लिवर और हर्निया के इश्यू रिजॉल्व हो गए, फिर बताइए उसके बारे में थोड़ा सा। फैटी लिवर का इशू तो मेरा रिजॉल्व, वो मैं मेडिकेशन करती रही साथ साथ, 3 माह मेरी मेडिकेशन हुई है ठीक है, वो फिर अब आके डॉक्टर ने मतलब मेरा मुझे चेक किया, तो उन्होंने बताया कि आपको तो फैटी लिवर जो है वो बिल्कुल ठीक हो चुका है, और माशाल्लाह माशाल्लाह, सेकंड ये मेरी पॉसिबल हर्नियों का साइज भी स्मॉल हो गया, जो कि पॉसिबल चीज नहीं है। फैटी लिवर का चीज नहीं है, बिल्कुल, ये फैटी मेरे लिवर का कल है सबा सोल्यूशन सबा, ये मेरे कल है, आप अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करें। बिल्कुल ये बिल्कुल, ये तो मेरे कल है। मोटापा जो है वो उम्र मर्ज है, और उसकी वजह से इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है ना ह्यूमन बॉडी में, जैसे बिल्कुल जैसे अगर आप जो है वो ओबीज हैं तो आप बहुत प्रोन है कि आप जो है वो, आपको काफी सारी डिजीज हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, और जैसे जैसे आप अपना बिल्कुल, फैट रिडक्शन करते जाते हैं आपके इश्यूज और बहुत अच्छी हो जाते हैं। तो फैमिली वालों का क्या रिस्पॉन्स है, फैमिली वाले आपके हस्बैंड तो बहुत खुश होंगे। बिल्कुल हस्बैंड मेरे बहुत खुश हैं, वो होते हैं आउट ऑफ कंट्री होते हैं,
अभी बस वीडियो कॉल पे और पिक पे देख रहे हैं, तो वो तो बहुत खुश है, उन्होंने मुझे बड़ा सपोर्ट किया। मैं अक्सर जब जैसे जैसे मैंने मतलब मेरा वेट कम हो रहा था ना, तो मुझे बड़ा सब कहते थे ये नहीं हो सकता, बस अब ये हो ही नहीं सकता, तुम टाइम वेस्ट कर रही हो, कुछ भी नहीं होगा। तो मैंने फिर दिल में सोचना, मैंने कहा नहीं, मैंने करके दिखाना, अब मैं करूंगी। चले माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया सबा, आपके साथ बहुत अच्छा टाइम पास हुआ और आपने सारी चीजें मेरे ऑडियंस के साथ शेयर की, तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी, ठीक है? अभी आपने बस यहाँ तक आपके डेटिंग स्टॉप हो गया या आपने मजीद और कम कर रहा है? अभी मैंने 2 माह हो गया, मैंने डेटिंग रोक दी हुई है, स्टॉप कर दिया हुआ है। 69 पे मेरा वेट आ गया हुआ है, तो मैंने रोक दिया हुआ है ना। हाँ ठीक है, फिर आप 68-69 तक आपका परफेक्ट रेट है। मेरी एक्चुअली मेरी अम्मी जो है ना, मेरी अम्मी कहती है बस कर दो, अब बस कर दो। इसलिए फिर मैंने कहा इसी को मेंटेन कीजिए। मेंटेन करने के लिए भी आपको पता है कि हेल्दी ऑप्शन भी रहने हैं, एक्सरसाइज भी रखनी है और वाटर इंटेक भी करना है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया सबा, थैंक्स अ लॉट। और बहुत शुक्रिया आपका, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी सबा मिर्जा साहिबा, और देखिए आपने इनके ट्रांसफॉर्मेशन, माशाल्लाह से इन्होंने जो है वो 25 केजीज वेट लॉस किया है 4 महीने में। और सबसे मेन चीज इनकी ये थी कि इनके जितने मेडिकल इश्यूज थे, इनको फैटी लिवर का इशू था, इनको हर्निया का इशू था, हर्निया जो कि इसको रिजॉल्व होना जो है कि इम्पॉसिबल सी चीज है, तो ये मिरेकल है, मेरे लिए भी मिरेकल है कि इनका जैसे जैसे वेट लॉस होता गया, इनका फैटी लिवर सही हो गया, इनका हर्निया सही हो गया, इनका हाइपरटेंशन रिजॉल्व हो। तो देखें आप लोग भी आहिस्ता आहिस्ता से अपना जो है वो वेट लॉस जो है वो प्लान, जैसे मैं आप लोगों को गाइड करती हूँ, आप लोगों से लेके चलेंगे तो आप लोगों के भी जो है वो जितने इश्यूज हैं वेट लॉस के साथ साथ वो भी रिजॉल्व होते जाएंगे। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंस्पायर करने वाला होगा। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।